फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया सब? तो जैसा कि आप सभी जानते हो, क्या फिजिक्स आसान है? तो स्टार्ट करते हैं। तो अपन लोगों ने कहां तक कर रखा है देखिए, एक बार हम लोगों ने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर लिए हैं, 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। ये पेज नंबर 5 है लखमीर का, ठीक है? तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो भाई बुक लेके बैठो, अपन वन बाय वन आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो आज मैं स्टार्ट करूंगा 11 से। 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स? गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर एंड टू ऑफ इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? देखो, कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। तो अपन ने लिया दो सब्सटेंस विच कैन पास इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एग्जांपल्स पूछे हैं दो, अपन एग्जाम्पल बताते हैं। अपन एग्जाम्पल बताते हैं कॉपर, सिल्वर, ठीक है? तो ये अपन के दो एग्जांपल्स हो गए कंडक्टर के। अब साथ ही पूछा गया है कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? अपने दो सब्सटेंस विच कैन नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स कहते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल्स पूछे तो अपन के एग्जाम्पल हो जाएंगे प्लास्टिक और क्या हो जाएगा? रबर, ठीक है? क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल हो गए कंडक्टर और इंसुलेटर्स के। ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन क्योंकि अपन का एक Q&A सेशन चल रहा है तो Q&A में अपन आंसर्स दे रहे हैं। तो क्लियर है? कंडक्टर्स क्या है उनके तो एग्जाम्पल, इंसुलेटर्स क्या है उनके तो एग्जाम्पल। नेक्स्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर्स? 12th क्वेश्चन है, ठीक है? तो मैं उसे ना यहाँ बोलकर ही करा दे रहा हूँ, ठीक है? आई थिंक आपके पास बुक होगी, आप लोगों ने बुक ले रखी होगी। 12th क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। सल्फर, सल्फर क्या हमारा भाई? इंसुलेटर है। सल्फर क्या है? इंसुलेटर। नेक्स्ट, सिल्वर कंडक्टर है। कॉपर बिल्कुल कंडक्टर है मेरे भाई। कॉटन इंसुलेटर है। एल्यूमिनियम कंडक्टर है। एयर इंसुलेटर है। नाइक्रोम कंडक्टर है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अपन का कंडक्टर है। पेपर, पेपर अपन का इंसुलेटर है। पोर्सिलेन अपन का इंसुलेटर है। मर्क्यूरी अपन का कंडक्टर है। माइका इंसुलेटर है। बेकेलाइट इंसुलेटर है। पॉलिथिन अपन का इंसुलेटर है। और लास्ट है मैंगनीन, मैंगनीन अपन का कंडक्टर है। तो क्लियर है? तो अपन का 12th क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट 13, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या समझते हो? टू डेड पॉइंट, ये अपन का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये अपन का क्वेश्चन नंबर है 13, लखमीर सिंह का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 से पूछा गया व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेट पॉइंट। इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क किया जाता है वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है? आंसर के लिए 13 वाले का है जी। नेक्स्ट अपन का इसमें आपने पूछा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाई वोल्ट। क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट? वोल्ट होती है। 13 वाला क्लियर हो गया। नेक्स्ट 14, स्टेट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन एंड चार्ज मूव्ड। तो हमें रिलेशन बताना है चार्ज मूव्ड के और अपन का पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन। तो हम लोगों ने पढ़ा है ना फॉर्मूला, ये अपन का है क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट। हमसे वी, डब्ल्यू और क्यू तीन में रिलेशन पूछ रहा है। तो हम जानते तो भाई कि वी कस्ट अपन का क्या होता है? डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो रिलेशन पूछा है, रिलेशन यानी ये फॉर्मूला बताना है। तो वी डब्ल्यू क्यू का क्या रिलेशन है? ये रिलेशन है कि वी जो होता है वो इक्वल होता है डब्ल्यू बाई क्यू के। ये था 14th का ए पार्ट। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं 14th का बी पार्ट। अब आता है 14th का बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या बोला गया है? बी पार्ट बोला कैलकुलेट करो वर्क डन को इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट एट 230 वोल्ट। यानी कि आपको वर्क डन बताना है, एक पॉइंट का पोटेंशियल दे दिया है, उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाया गया है, तो वर्क दे दिया है, और जिस पॉइंट से चार्ज को ले जाया गया है उसका पोटेंशियल दे दिया है, और जहां तक चार्ज को ले जाया गया है उस पॉइंट का पोटेंशियल दे दिया है। यानी दो पोटेंशियल दे दिए। तो लिख लेते हैं V1 दे दिया अपन को। V1 कितना दिया है? V1 हमें दे दिया 220 वोल्ट।
वी वन कितना दे दिया 220 वोल्ट, और बोल रहा है जो वी टू है, मान लिया कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो यहां से यहां तक चार्ज को ले जाया गया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल दे दिया और दूसरे पॉइंट का दे दिया, तो इसका मैंने मान लिया वी वन, इसका मैंने मान लिया वी टू, तो वी टू मेरा दिया है 230 वोल्ट, कितना दिया है 230 वोल्ट, तो यानी कि वी वन दिया है, वी टू दिया है, और क्या दिया है अपन को साथ में, साथ में दिया हुआ है कि 4 कूलम का चार्ज है, क्यू कितना है 4 कूलम, तो बताओ अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, क्लियर है। अब हमें पता भाई वर्क डन निकालने का तरीका क्या होता है, हम लोगों को पता है कि जो अपन का वर्क डन होता है, या कह लो पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है किसके इक्वल होता है, वर्क डन, वर्क डन अपॉन चार्ज, क्या होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो देखो भाई कंफ्यूज मत होना, ठीक है, वर्क डन तो हमें गिवन नहीं है, वर्क डन हमें निकालना है, चार्ज गिवन है 4 कूलम। अब आपके मन में डाउट ये आएगा मेरे भाई कि पोटेंशियल डिफरेंस हम कौन सा लें, क्योंकि एक पोटेंशियल 220 वोल्ट है, दूसरा 230 वोल्ट है, तो कौन सा पोटेंशियल लेना है, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस लेना होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यानी कि अगर ये 230 वोल्ट है 220 वोल्ट है, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो होगा मेरे भाई वी टू माइनस वी वन, ठीक है, तो हायर पोटेंशियल यानी कि 230 वोल्ट माइनस 220 वोल्ट, तो 230 माइनस 220 वोल्ट कितना आया 10 वोल्ट, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 10 वोल्ट, उसको यूज करना है फॉर्मूले में, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपन का हो गया 10, वर्क डन अभी अभी खुद ही बोल रहा है 4, सॉरी वर्क डन तो निकाल लेंगे अपन को, वर्क डन कैलकुलेट करना है, चार्ज अपन का बोल रहा है 4 कूलम, तो यहां से मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन कितना आ गया 40 जूल, क्या आ गया 40 जूल, आई बात समझ में, यानी कि चार्ज को इन दोनों पोटेंशियल के अक्रॉस मूव कराने में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है 40 जूल होता है, बिल्कुल क्लियर हुआ मेरे भाई, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं 15th वाले क्वेश्चन पे, अब नेक्स्ट आता है अपन का 15th क्वेश्चन, 15th का ए पार्ट, 15th का ए पार्ट, इसमें क्या पूछा, नेम अ डिवाइस डेट हेल्प टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, आपको उस डिवाइस का नाम बताना जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है, कौन सी डिवाइस मेजर करती है वो मैंने पहले बताया था, नहीं बताया तो अब लिख लो वोल्ट मीटर, क्या यूज होता है वोल्ट मीटर, ठीक है वोल्ट मीटर यूज होता है। फिर नेक्स्ट बी पार्ट पूछा गया है, 15th का बी पार्ट पूछा गया है, तो जो अपन का 15th का बी पार्ट पूछा, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय अ 12 वोल्ट पावर सप्लाई टू ईच कूलम ऑफ चार्ज विच इट मूव अराउंड द सर्किट, यानी एक सर्किट है उसके अंदर कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी अगर 12 वोल्ट पावर सप्लाई है और हर कूलम को मूव कराने में, यानी कि जो एक कूलम में ईच कूलम को मूव कराने में जो पोटेंशियल है वो कितना 12 वोल्ट है, एंड 12 वोल्ट के अक्रॉस ईच कूलम चार्ज मूव कर रहा है, तो बताओ कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी। अब मेरे को एक बात कहो भाई, एनर्जी पूछे तो आप कंफ्यूज हो गए कि एनर्जी कैसे निकाले, देखो एनर्जी और वर्क डन दोनों बातें होती है सेम, क्या होती दोनों बातें सेम, अगर मैं इसका वर्क डन निकाल लूं तो जितना वर्क डन आएगा उतनी ही एनर्जी ट्रांसफर होगी, क्लियर है, कैसे करेंगे वो देखते हैं। अपन को क्या क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, वी गिवन है, वी कितना गिवन है, वी गिवन है अपन का 12 वोल्ट, ठीक है, हमसे एनर्जी पूछ रहा है, किसकी एनर्जी पूछ रहा है, किसका वर्क डन निकालना है अपन को, ईच कूलम यानी कि वन कूलम, तो जो क्यू हो गया वो अपन का हो गया वन कूलम, ईच कूलम की बात हो रही है, तो अपन से निकालना है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है हमें पता है वी इंटू क्यू, भाई पता है ना फॉर्मूला, वी इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यहां से वर्क डन क्या हो जाएगा वी इंटू क्यू, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू, तो वी कितना है अपन का 12 वोल्ट, चार्ज कितना है हमारा वन, तो वर्क डन कितना आ गया 12 जूल, कितना आ गया 12 जूल, तो यानी कि अगर वर्क डन 12 जूल है तो इट मीन्स एनर्जी इक्वल होती है वर्क डन के, एनर्जी किसके इक्वल होती है वर्क डन, तो एनर्जी वर्क डन के इक्वल, वर्क डन कितना 12, तो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो भी कितनी होगी 12 जूल होगी, क्लियर है भाई, ठीक है, तो 15 का बी पार्ट भी हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 16th,
16th का ए पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है. What do you understand by the term potential difference? Potential difference आप क्या समझते हैं, इसकी डेफिनेशन पूछ रहा है. हम पहले भी समझ चुके हैं, अगर आपको कंसेप्चुअली समझना है तो मेरी पुरानी वीडियो देख लो, वरना मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. यानी कि एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क किया जाए, एक चार्ज को किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क किया जाए उससे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. क्लियर हुआ मेरे भाई? बहुत ही कंसेप्चुअली समझना है तो मेरी पुरानी वीडियो जाके देख लो, जहां पे मैंने टॉपिक ही पढ़ाया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, क्योंकि अपन का एक क्यू एंड ए सेशन चल रहा है तो मैं बहुत ज्यादा कंसेप्ट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि कंसेप्ट मैं समझा चुका हूँ. ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ और थोड़ी बहुत जो हेल्प की जरूरत है वो कर रहा हूँ मैं आपकी. ठीक है, तो इस तरीके से अपन का 16th का ए पार्ट हो गया. फिर आता है अपन का बी पार्ट. बी पार्ट में क्या पूछा है? What is meant by saying that potential difference between two point is 1 volt? इससे आप क्या समझते हो कि potential difference 1 volt है दो पॉइंट के बीच का, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, इट मीन्स 1 volt का मीनिंग क्या है? इट मीन्स 1 joule ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 coulomb फ्रॉम 1 point to another. यानी कि अगर 1 joule वर्क किया जाए, कितना जूल वर्क है? 1 joule वर्क किया है 1 coulomb के चार्ज को मूव कराने में, तो हम कहेंगे उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 volt. ये अपन ने फॉर्मूले से भी समझा था. देखो भाई, V इक्वल टू क्या होता है? W बाई क्यू. वी अपना 1 कब आएगा? अगर W भी 1 joule हो जाए और Q भी 1 coulomb हो जाए तो 1 by 1 आ जाएगा 1 volt. तो यहां से क्लियर हो गया, अगर 1 joule का वर्क होता है 1 coulomb के चार्ज को मूव कराने में तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है दो पॉइंट के बीच का? 1 volt. क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं सी पार्ट. तो सी पार्ट में क्या है वो देखते हैं. हमसे बोला गया है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी. बैटरी के दो टर्मिनल हैं, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इफ 250 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ बैटरी टू अदर. यानी कि बैटरी है, उसके दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में जो वर्क डन होता है वो होता है 250 जूल का. कब? जब 20 कूलम का चार्ज ले जाया जाता है. तो पूछ रहा है कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा. क्लियर है मेरे भाई? ये क्वेश्चन है 16th का सी पार्ट. ठीक है, तो पहले गिवन क्या क्या बोल लेते हैं. हमें वर्क डन गिवन है, तो वर्क डन कितना है अपन का? वर्क डन है 250 जूल. वर्क डन कितना है? 250 जूल. ठीक है, तो पूछ रहा है और चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है? 20 कूलम. ओके, और पूछा जा रहा है हमसे पोटेंशियल डिफरेंस. भाई फॉर्मूला बेस्ड है बिल्कुल, V पूछा जा रहा है. तो हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है? W बाई क्यू. तो वर्क डन कितना है अपन का? 250. और चार्ज कितना है अपन का? 20. तो ये डिवाइड हो जाएगा 12.5 वोल्ट. कितना आ गया? 12.5 वोल्ट. इस बात का मीनिंग क्या है कि अगर 250 जूल का वर्क होता है 20 कूलम के चार्ज को मूव कराने में तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 12.5 वोल्ट. आई थिंक आपको न्यूमेरिकल से बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे. समझ रहे हो ना कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो जो चार्ज है 20 कूलम्ब का वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो कितना वर्क हो रहा है? 250 जूल का. तो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट होकर आया 12.5 वोल्ट. या ऐसे ऐसे कह लो कि अगर 20 कूलम्ब का चार्ज 12.5 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जाएगा तो फिर 250 जूल का वर्क होगा. क्लियर है भाई? कंसेप्ट पे ध्यान दो, बिल्कुल कंसेप्ट पे समझ लो सारी चीजों को. क्लियर है भाई? ओके, आगे बढ़ते हैं. तो 16 का सी पार्ट हो गया. नेक्स्ट डी पार्ट. व्हाट इज वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है. तो लिख लेते हैं. तो वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर एक डिवाइस है. इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर होने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसका नाम है वोल्ट मीटर. बिल्कुल सिंपल है. हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट? वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? तो अभी मैं इसका जवाब तो दे दे रहा हूं, लेकिन कंसेप्ट अपन आगे वाले टॉपिक से समझेंगे. वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में. अब आपका सवाल आएगा, सर ये पैरेलल कनेक्शन क्या होता है? तो अगर ये सवाल सच में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखो कि मैं इस पे अच्छे से वीडियो बनाऊं या आपको समझाऊं कि वोल्टमीटर पैरेलल कनेक्ट होता है, इसका मीनिंग क्या होता है.
वरना तो मैं अपने आने वाले कंसेप्ट जब पढ़ाऊंगा ना सीरीज ऑफ पैरेलल तो वहां तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा। तो क्लियर है? तो अभी के लिए अपन क्या लिख सकते हैं कि वोल्ट मीटर हमारा कनेक्ट होता है पैरेलल में। किसमें कनेक्ट होता है? पैरेलल में। तो 16 का डी पार्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं 16 का ई पार्ट। स्टेट वेदर ऑफ वोल्ट मीटर इज हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस होता है या लो रेजिस्टेंस होता है? तो मेरे भाई अभी तो यही नहीं पता रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इसे भी अपन वोल्ट पे डाल लेते हैं। वर्ब ना इसका भी आंसर तो देख ले रहे हैं। तो वोल्ट मीटर का होता है हाई रेजिस्टेंस। क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है ये अपन समझेंगे। तो फिलहाल तो अपन कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है भाई? आगे अपन के एमसीक्यू है वो मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूं। द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज अक्रॉस टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर ऑफ। जो वर्क डन होता है दो पॉइंट के बीच में चार्ज के मूव करने पर वो क्या बताता है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अपन के पास चार ऑप्शन है, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और पावर। तो आंसर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो 17 वाले का क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट पूछा द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज। जो पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइस मेजर करती है उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियोमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर? तो उसे कहते हैं वोल्टमीटर। क्या कहते हैं? वोल्टमीटर। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स कुड बी यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज हो सकती है? एम्पियर भाई करंट की होती है, जूल भाई वर्क की होती है, वोल्ट भाई पोटेंशियल की होती है, बचाए कूलम, कूलम चार्ज की होती है। तो ये अपन का 19 का क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट द यूनिट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस किस में मेजर होता है? व्हाट? ना ओम, ना वोल्ट। यस, किस में मेजर होता है? वोल्ट में। 20 वाला भी क्लियर हो गया। 21 वन कूलम चार्ज इज इक्वलन टू द चार्ज कंटेंट। यानी कि एक कूलम चार्ज तब होगा जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे। कितने सारे? जो कि एमसीक्यू में दिए हुए 2.6 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे तो वन कूलम चार्ज होगा ना। 6.2 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन अगर इकट्ठे होंगे तो उनकी जो क्वांटिटी है वन कूलम होगी ना। अगर 2.65 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे तो क्या उनकी क्वांटिटी वन कूलम होगी? बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। तो बचा लास्ट ऑप्शन, क्या 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे तो इक्विवेलेंट होंगे वन कूलम के? यस बिल्कुल होंगे। तो अपन का सही जवाब हो जाएगा 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो अपन के दो क्वेश्चंस और बचे हुए, हॉट क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक टॉपिक के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप भी हो गए अपन के, मल्टीपल चॉइस भी हो गए, शॉर्ट आंसर भी हो गए, वेरी शॉर्ट भी हो गए। क्लियर है मेरे भाई? 22 इसमें पूछा है 3 2-volt सेल्स, तीन सेल है 2 volt के, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है, यूज एज अ बैटरी इन सर्किट, बैटरी की तरह यूज हो रहे हैं। तो ये तो हमने बैटरी में भी पढ़ा था कि बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कम से कम 2 सेल होंगे तो बैटरी बन जाती है। तो यहां कह रहा है 3 सेल है जो कि मिलकर बैटरी बना रहे हैं, ठीक है भाई, और उनका पोटेंशियल भी दे दिया 2 volt, ठीक है। तो पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का क्या होगा? देखो एक सेल है 2 volt का, एक सेल है 2 volt का और 3 सेल मिलकर बैटरी बना रहे हैं, तो यानी कि क्या हो जाएगा? 2 volt का एक सेल प्लस 2 volt का दूसरा सेल प्लस 2 volt का तीसरा सेल, ये तीनों मिलकर बना रहे हैं एक बैटरी, यानी जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा 6 volt। कितना आएगा? 6 volt, क्योंकि 3 सेल है 2 volt के। क्लियर है मेरे भाई? ओके। बी पार्ट इसमें पूछा है हाउ मैनी जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज वन कूलम गेन ऑन पासिंग थ्रू वन सेल। अगर एक कूलम के चार्ज को एक सेल से पास करोगे तो कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वहां पर? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने पहले बताया था, एनर्जी क्या होता है? वर्क डन। तो वर्क डन निकाल लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पता चल जाएगी। तो क्या क्या मैंने पहले देख लेते हैं, क्यू कितना है हमारा? 1 कूलम। बी पार्ट में क्यू है हमारा 1 कूलम। अब 1 कूलम का चार्ज सिर्फ एक सेल से पास हो रहा है, कितने से हो रहा है भाई? सिर्फ एक सेल से, तो यानी 2 volt। तो वी अपन का हो गया 2 volt।
अब पूछ रहा है कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो वर्क डन निकाल लो, क्योंकि वर्क डन ही तो एनर्जी होता है, तो ये निकालना है। तो वर्क डन क्या होता है, वी इंटू क्यू, वी अपन का टू, क्यू अपन का वन, तो वर्क डन आ गया 2 जूल, यानी कि 2 जूल का वर्क होगा जब 2 वोल्ट का, जब 2 वोल्ट पोटेंशियल होगा और चार्ज कितना होगा, 1 कूलम्ब का होगा। क्लियर है मेरे भाई। अब वर्क डन 2 जूल आया, तो जो इसमें पूछा है ना हाउ मेनी जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हम कहेंगे 2 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है। अब इसमें एक और पार्ट है आई थिंक, हाँ है, ये बी का फर्स्ट है, बी का सेकेंड। अगर कह रहा है कि सारे के सारे तीनों सेल हो, तो जब तीनों सेल होंगे तब क्या बदल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा। तो देखो चार्ज तो वही है, क्यू कितना है 1 कूलम, चार्ज तो वही है, पर इस बार वी चेंज हो गया, क्योंकि पहले जो वी था वो सिर्फ एक सेल से निकल रहा था, तो 2 वोल्ट था, अब तीनों के तीनों सेल से निकल रहा है, यानी कि 6 वोल्ट। तो फिर से एनर्जी पूछिए, तो वर्क डन निकाल लो, तो वर्क डन होता है वी इंटू क्यू, ठीक है, तो वी अपन का 6 इंटू क्यू अपन का 1, यानी कि 6 जूल, यानी कि 6 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, 6 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पूछा था ना हाउ मेनी जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो क्या बोलेंगे, 6 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है मेरे भाई। 22 भी क्लियर हो गया अपन का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अपन, अब आता है अपन का 23 में बोल रहा है द एटम ऑफ कॉपर कंटेन इलेक्ट्रॉन, जो कॉपर का एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, ठीक है मेरे भाई। एटम ऑफ रबर ऑल्सो कंटेन इलेक्ट्रॉन, रबर के एटम होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन करते हैं, बिल्कुल ठीक भाई। देन व्हाई डज कॉपर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट रबर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, इसका डिस्कशन मैं अपने पुराने टॉपिक्स में कर चुका हूं, फिर भी यहां समझा देता हूं। देखो भाई मैंने क्या बोला था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होने से कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे बाहर घूमने के लिए, ठीक है। और मैंने एक चीज और ऐड की थी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो तो हर वक्त कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन का सिस्टमैटिक फ्लो, या कह लो इलेक्ट्रॉन का एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो तब इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो तब जाके आता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इनका ये क्वेश्चन है ना कि कॉपर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, रबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर कॉपर में तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराती है, रबर में नहीं करती, तो इसका जवाब होगा कॉपर कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मूव इजिली। ठीक है, तो इसका 23 वाले का आंसर क्या हुआ, कॉपर कंटेंट फ्री इलेक्ट्रॉन, कॉपर कंटेंट फ्री इलेक्ट्रॉन विच कैन मूव इजीली, कॉपर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि आराम से मूव कर सकते हैं, बट रबर डजेंट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, रबर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन तो दोनों पर है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी दोनों पर इसलिए नहीं है क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे एक ही डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी वही होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी सिर्फ कॉपर के पास है। क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, तो ये मैं कोशिश करता हूँ कि आंसर्स अपनी लैंग्वेज में आसानी से समझा सकूं। ठीक है, तो अपन ने सारे क्वेश्चन आंसर्स कर रखे हैं, तो अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट जब आएंगे क्वेश्चन आंसर्स पर तो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जैसे कि अभी अपन ने पेज नंबर 05 और पेज नंबर 06 इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, एमसीक्यू, हॉर्स क्वेश्चन भी कर लिए, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जब अपन का टॉपिक हो जाएगा तो नेक्स्ट अपन फिर Q&A सेशन करेंगे। तो अपन का ये Q&A सेशन ये खत्म होता है, इसके बाद अपन टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है तो आप ना प्लीज यार एक कमेंट करके जरूर जाइए, ताकि मेरे को समझ आ सके कि, या फिर कोई एक सजेशन हो तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट में, चाहे आपको वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट कर दो, एप्रिसिएशन लगेगा थोड़ा सा, मोटिवेट भी होऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो कोई यार एडवाइस लिख दो, कोई सजेशन लिख दो, जिससे कि अगर मैं कोशिश करूंगा वीडियो को और अच्छा बनाने की। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।